भाई आर्यन इतना भारी है, मेरे को लग रहा है घोड़े से ज्यादा भारी तो आर्यन है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब राजी खुशी? मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। और गाइस, जो मनाली सीरीज को आपने प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ। मैं गाइस आपका तुषार वेलकम करता हूँ अनुतुष व्लॉग्स के ऊपर। और गाइस, आज हम जा रहे हैं शिमला, मैं जा रहा हूँ आर्यन के साथ। अनु को कुछ काम था तो वो नहीं जा पा रही है, बट आपको मतलब आर्यन भी दिखेगा व्लॉग में, एंड तक बने रहिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे आपको। तो आप पीछे देख सकते हैं, अभी हम आधे रास्ते में हैं। शिमला कुछ अराउंड चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर के आसपास है और 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, बट हम रुक रुक के जाते हैं व्लॉग शूट करके, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर यार जाना चाहिए, फ़न करते हुए जाना चाहिए, क्यों? तो आपको भी दिखाते हैं गाइस शिमला कैसा है फिर। आज गाइज हम खड़े हैं शिमला में और हम कल रात यहाँ आ गए थे। रात का आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि हम मतलब काफ़ी लेट आए, बट हम लोग अपनी गाड़ी से आए। आप लोग कैब से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, और यहाँ कालका से ना टॉय ट्रेन भी चलती है, उसका मज़ा लेते हुए आप शिमला पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ से कुछ 4 घंटे का रास्ता है और दिल्ली से 8 घंटे लग जाते हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं शिमला के मॉल रोड के ऊपर, जो कि बहुत ही फेमस है, और आपको इंजॉय करवाते हैं, आपको भी सब कुछ दिखाते हैं। तो गाइज हम लोग हैं शिमला के ISBT में, मैं और आर्यन, और यहाँ से गाइज मॉल रोड कुछ 3-4 किलोमीटर्स की दूरी पे है और हम लोग बस में जाएंगे क्योंकि आजकल सीजन है टूरिस्ट का और वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है। और बस का रेंट होगा यहाँ से 11-12 रुपये, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो हम लोग आपको मॉल रोड पे मिलते हैं सीधे। तो गाइज नीचे आप रोड देख सकते हैं, यहाँ बस ने हमें उतारा और उसके बिल्कुल पीछे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टॉय ट्रेन आती है और ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ आती है। और यहाँ से 2 रास्ते हैं ऊपर मॉल रोड जाने के, या तो आप वॉकिंग जा सकते हैं या फिर आप लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो हम लोग वॉकिंग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत मस्त आता है। आप पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया है। अगर आप लोग लिफ्ट से जाना चाहें तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, बट वहाँ आपको कोई ऐसा अच्छा व्यू नहीं आएगा नज़र। ये गाइस पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ है हेलीकॉप्टर लैंडिंग पॉइंट जिसको एनाडेल बोलते हैं यहाँ शिमला में। आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं शिमला के मॉल रोड के ऊपर, और पीछे जो ये पॉइंट है इसको स्कैंडल पॉइंट बोलते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जब मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल होता था, तो पटियाला के राजा होते थे, तो उन्होंने मतलब अंग्रेजों की जो मतलब यहाँ पे जो क्वीन थी उसको उठा लिया था। और ये इसका नाम स्कैंडल पॉइंट इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे डॉग्स और इंडियंस की एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ तब मतलब उस टाइम ब्रिटिशर्स रूल होता था। बट किस्मत है, मतलब वक्त बदलते देर नहीं लगती। आप देख सकते हैं आज मतलब इंडियन रूल है, मैं प्राउड फील करता हूँ इंडियन होने का। और यहाँ पे मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कोई मर्जी आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ का वेदर गाइस इतना मस्त है ना। आर्यन कैसा मजा कर रहा है फिर तू? हैं बहुत ज़्यादा। तेरे को वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है या यहाँ? यहीं पर ही, यहीं पर बसना चाहता है तू? और ये गाइस यहाँ टाउन हॉल है शिमला का, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये गेती थिएटर है, यहाँ मतलब काफ़ी शोज़ वगैरह होते हैं। आजकल तो मेरे को लगता है कोविड की वजह से बंद कर रखा होगा। अरे मेरा, ये गाइस इस बाज़ार को बोलते हैं मिडल बाज़ार। यहाँ एक लोअर बाज़ार भी है, और अगर आप ऊपर स्टेयर से चढ़ जाएंगे तो रिज का रास्ता है, चर्च है, वहाँ पर लक्कड़ बाज़ार है। Oh, 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 oh
आर ऑन द रिज गाइस, शिमला में, जो कि बहुत फेमस है। टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं इस प्लेस को देखने के लिए, और हम भी यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन खुल चुका है और बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छी जगह है। आर्यन भी इंजॉय कर रहा है, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत मतलब सही जगह है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है पूरा, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, और ये अपना नेशनल फ्लैग सल्यूट करते हैं हम इसको। चर्च भी है यहाँ, चर्च भी बहुत फेमस चर्च है। ये कब खुलता है पापा? ये संडे को खुलता है। अनलकीली वी आर हेयर ऑन सैटरडे। और ये पॉइंट वो पॉइंट है, थ्री इडियट्स की भी शूटिंग हो रखी है यहाँ, काफ़ी शूटिंग्स होती हैं। और वो आप स्टैचू देख सकते हैं, महात्मा गांधी का स्टैचू भी है। एंड इधर देखें तो इंदिरा गांधी का स्टैचू है। खुला हुआ ये गाइस, यहाँ पे फेमस चर्च है क्राइस्ट चर्च, और हम अंदर जा रहे हैं इसके। हॉर्स राइड भी कर सकते हैं गाइस आप यहाँ पे। बहुत आर्यन करनी है तूने? क्यों डर लग रहा है तेरे को? तो कर ले फिर। ओ भाई आर्यन इतना भारी है, मेरे को लग रहा है घोड़े से ज्यादा भारी तो आर्यन है। ये गाइस, यहाँ से लक्कड़ बाज़ार की स्टार्टिंग होती है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भारी भरकम रश है यहाँ पे। टूरिस्ट तो भाई हट ही नहीं रहे हैं, बोलते घूमना है घूमना है। घूमो तो फिर घूमने के लिए ही तो है। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू शिमला के रिज का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे ना गाइस, मतलब प्राइम मिनिस्टर आए या कोई भी बड़ा लीडर आए तो यहीं से, मतलब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से बैठ के वो लीड करते हैं, और यहाँ से ही मतलब पूरा नीचे रश हो जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं टूरिस्ट कितना इंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सीनरी आ रही है यहाँ से, बहुत प्यारा व्यू है। आप लोग भी आए गाइस यहाँ शिमला, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है जैसा मतलब सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट बढ़िया यार। अगर व्यू लेना है तो पैसा तो खर्चना पड़ेगा आप लोगों को। शिमला को गाइस समर कैपिटल डिक्लेयर किया था ब्रिटिशर्स ने 1864 में। बनता भी है यार, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी जगह है। और उसके बाद मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो समर कैपिटल है वो पंजाब की मतलब कैपिटल बन गई थी, बट धीरे धीरे जैसे हिमाचल प्रदेश आया, एग्जिस्ट हुआ, तो फिर अब ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। शिमला के रिज पे आए और आइसक्रीम नहीं खाई? हाँ भाई, आइसक्रीम खाएंगे अब। आइसक्रीम यहाँ
रिज का व्यू गाइस आप लोगों को दिखाया, आप लोगों ने इंजॉय तो किया ही होगा। और हम आपको अब लेकर चल रहे हैं लोअर बाजार में। यहाँ शिमला में लोअर बाजार है जो कि काफी फेमस है। अब आपको वहाँ जाके इंजॉय, अब आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीजें होती है वहाँ पे। गाइस यहाँ ऊपर जो आप क्लाउड्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे जाखू टेम्पल है। हमने जाना था बट क्लाउड्स बहुत ज्यादा और मेरे को लगता है बारिश भी हो रही होगी, तो अभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया ऊपर जाने का। और आप देख सकते हैं मतलब कितने नीचे तक आ गए हैं क्लाउड्स, मतलब यहाँ से रोप वे से भी जा सकते हैं अगर जाखू जाना हो, और वॉकिंग भी जा सकते हैं, गाड़ी भी जाती है आजकल, जैसे भी आपको फिजिबल हो आप ऊपर जाखू टेम्पल विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट है शेरे पंजाब, यहाँ से अगर टर्न ले लेंगे तो यहाँ से नीचे लोअर बाजार स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे लोकल मार्केट है ना, वो सब चीजें हैं यहाँ पर। ऊपर तो सारे शोरूम टाइप थे और यहाँ लोकल मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ का जो लोकल, यहाँ का जो ट्रेडिशनल है, ट्रेंड है यहाँ का, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। लोअर बाजार और लक्कड़ बाजार के बस स्टैंड को कनेक्ट करती है ये जो टनल आप देख रहे हैं। ये स्कैंडल पॉइंट के नीचे से जाती है, मतलब मैंने वो तो देखी थी जहाँ, मतलब अटल टनल तो देखी थी, बट ये यहाँ पे वॉकिंग जाना पड़ता है, ये भी सही है, इसका भी अलग ही मजा है। और यहाँ एक और लोकल मार्केट तिप्ति मार्केट है ये, यहाँ पे भी बढ़िया से बढ़िया चीजें मिलती हैं जो कि कम रेट में। और इससे नीचे जैसे आप जाएंगे बस स्टैंड आ जाएगा, ये कम रेट वाली मार्केट है गाइस। यहाँ भी विजिट करना तो मस्ट है, बनता है यहाँ भी। तो गाइस बारी है इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करने की, और हमने आपको अच्छे से शिमला एक्सप्लोर कराया जो कि घूमने के लिए तो बहुत बढ़िया है और शॉपिंग के लिए भी बहुत सही चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं मैंने वेस्ट बैग लिया और एक कैप परचेज़ की जो कि नेक्स्ट ब्लॉग्स में काम आने वाली है। तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।